अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन. चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट. शील्डिंग इफ़ेक्ट की डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. उससे पहले इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आपको पता होना ज़रूरी है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज. इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको ZEF से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन आर शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से असर या शील्डिंग स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट महसूस करते हैं, उसको शील्डिंग इफ़ेक्ट कहा जाता है. जिस तरह से हमने प्रीवियस टॉपिक्स में ट्रेंड पढ़े थे, इसी तरह शील्डिंग इफ़ेक्ट का ट्रेंड भी है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप. शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. शील्डिंग इफ़ेक्ट ग्रुप में बढ़ता है, जबकि पीरियड में शील्डिंग इफ़ेक्ट कम हो जाता है. ये ट्रेंड आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है. इसी तरह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफ़ेक्ट की डेफिनेशन आती है पेपर में, और MCQ टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है. सिमिलरली पीरियड के अलोंग क्या ट्रेंड है, पीरियड के अलोंग डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा. एक और MCQ बन सकता है किस तरह से, कि अगर आपके पास पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. यानी किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जाम्पल सोडियम. सोडियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो 496 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी है. डेफिनेशन में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और साथ में एग्जांपल भी लाजमी मेंशन करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड्स. यानी अगर हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है. उसकी वजह क्या है, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम पीरियड के अलोंग छोटा होता जाता है, और जब पीरियड के अलोंग साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगी. वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती से पकड़े हुए होगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाएंगे. तो इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी. इस लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ट्रेंड अलोंग द पीरियड. सिमिलरली MCQ टाइप क्वेश्चन में कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होती है. इसी तरह से वैल्यू ऑफ द सोडियम 496 किलो जूल्स पर मोल पूछी जा सकती है. पीरियड के अलोंग ट्रेंड को देखते हुए हमने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है. अब देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है. अलोंग द ग्रुप मोर एंड मोर शेल लाइज बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. जब एडिशनल शेल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ज़्यादा होल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं. इस लिहाज से टॉप टू बॉटम मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. ट्रेंड शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी से डिफरेंट है, इस लिहाज से कि वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दी थी, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में.
जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है तो उस टाइम पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन, फ्लोरीन एटम में जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है तो वो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। उसके साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई थी -328 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी है। डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल भी कोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम इज़ दिस वन, वन मोल एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीजेस 328 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, यानी एक मोल फ्लोराइड आयंस हो तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। अब आ जाते हैं इनके ट्रेंड्स पर। तो जिस तरह से हमने आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स देखे थे, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है पीरियड के अलोंग, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। ग्रुप के अलोंग ट्रेंड देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज बहुत बढ़ जाता है एटम का, और जो जो साइज बढ़ता जाता है तो उस पॉइंट पर एनर्जी कम रिलीज होगी। इसका मतलब ग्रुप के अलोंग डिक्रीज होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में ट्रेंड इसके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, एज द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज़ बिगर देन क्लोरीन, इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ लेसर देन आयोडीन। यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं। क्लोरीन का एटम साइज में बड़ा है, ठीक है, इस वजह से इसकी जो एनर्जी है वो कम होगी किसकी निस्बत, आयोडीन की निस्बत। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट किया जाता है अपनी तरफ, तो उस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स जिस तरह से हमने आयनाइजेशन के देखे थे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के देखे थे, इसके भी उससे मिलते जुलते हैं। तो आप ये बात माइंड में रख सकते हैं और आपके लिए इसको याद रखना भी आसान होगा। इट इंक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ZEF यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम कर देता है डिस्टेंस किसका, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से पीरियड के अलोंग ये बढ़ती है। MCQ टाइप क्वेश्चन में भी ये सारे पॉइंट्स जो हाईलाइटेड हैं ये पूछे जा सकते हैं। लाइक द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आदर इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, तो ये टॉप टू बॉटम बढ़ती है या ज़्यादा होती, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, MCQ आ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी पूछा जा सकता है MCQ में, और ये भी पूछा जा सकता है क्या ये ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जैसा है या डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम ग्रुप के अलोंग उसका ट्रेंड देखें तो क्या होता है, इट जनरली डिक्रीजेस ऑन द ग्रुप। जिस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का था, इसका भी वैसा ही है, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, तो इस वजह से अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है ग्रुप 17 की, जिसको हम हैलोजन्स भी कहते हैं इन जनरल। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ याद करेंगे, फ्लोरीन की है 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0, आयोडीन की 2.7। MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें ट्रेंड अलोंग द ग्रुप भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है।
इट इज़ द लास्ट लेक्चर बट नॉट द लीस्ट. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.